इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। यदि आपको सुबह उठकर कड़क चाय पीने की आदत है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर और बाजार में चाय वाले भैया की दुकान पर मिलने वाली चाय मिलावटी हो सकती है, क्योंकि आपकी सुबह की पहली कड़क चाय को बनाने में नकली चाय पत्ती खपाई जा रही है। गौरतलब है कि गुहलपुर थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में चाय पत्ती को जब्त किया था। वजह थी नकली और मिलावटी चाय पत्ती का बाजार में खपाना। मौके पर पुलिस द्वारा खाद्य विभाग को इसकी सूचना देकर सैंपलिंग भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आज गुहलपुर पुलिस ने आरोपी शकील अहमद और उसके साथी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। जनवरी माह में ही दबिश दी गई थी, फिर उसका सैंपल परीक्षण के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उनको दिया गया था। रिपोर्ट फिर ये आई कि वो जो चाय थी वो अमानक थी एवं वो चाय मिथ्या थी, मतलब वो नकली चाय थी। इस पर से फिर कल गोहलपुर थाने में 420, 272, 273 और खाद्य अधिनियम के तहत इसमें मुकदमा कायम किया है। इसमें बताना चाहूँगा, इसमें करीबन 622 पैकेट जो हैं 500-500 ग्राम के और 250-250 ग्राम के इसमें जब्त हुए हैं, जिस कुल 307 किलो जो अमानक चाय है वो जब्त हुई, जिसकी कीमत करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए है। लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में गति लाने की कवायद शुरू हो गई है। बिना लाइसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। नगर निगम द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण की कार्रवाई 15 फरवरी से शुरू हो गई है। बाजार विभाग प्रमुख दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए संबंधित प्रतिष्ठान की टैक्स रसीद, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, शुल्क जमा रसीद की फोटोकॉपी के साथ ही पूर्व में लिए गए लाइसेंस की फोटोकॉपी उपलब्ध कराकर लाइसेंस नवीनीकरण करना होगा। जॉर्ज टाउन स्कूल परिसर में 31 मार्च से नवीनीकरण न होने की दशा में नगर निगम द्वारा अप्रैल माह में 25% विलंब शुल्क लिया जाएगा। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र और जैव तकनीक विभाग के द्वारा मंच पर कोविड टीकाकरण भ्रांति और तथ्य विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जैव तकनीक विभाग से विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। बड़ी संख्या में स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया। प्रथम सत्र में टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है, इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के कुमार ने बताया कि हमारे शरीर में बी कोशिकाएं एंटीबॉडीज को स्थापित कर अंतर कोशिकाएं प्रतिरोधकता उत्पन्न करती हैं, वहीं टी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के साथ बाह्य कोशिकीय प्रतिरोधकता कायम करती हैं। महंगाई का विरोध और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए युवक कांग्रेस ने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले सिविक सेंटर में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने मोदी और शिवराज सरकार को जी भरकर कोसाया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। कलेक्ट्रेट से पहले ही पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी थी। जैसे ही कार्यकर्ता घंटाघर से आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें तितर बितर होने को कहा। जब वे नहीं माने तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। करीब आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने किया है। कोविड के समय में किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, कैसे जी रहा है पता है। जो यूपीए सरकार में 400 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था 800 900 हजार रुपए बना दिया। जो उस समय में जो प्रति बैरल जो 110 था इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का, तब भी 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 40 रुपए में डीजल मिलता था, 400 में गैस मिलता था। इन लोग ने हिसाब से देश का जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे 30 रुपए में पेट्रोल देना चाहिए। 30 रुपए से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी से इन लोग ने ले रहा है और 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुका है। किसके लिए? ये लुटेरा सरकार है, लूटने के अलावा कुछ नहीं है, विजनरी नहीं है, ये टेलीविजन सरकार है, आम लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं है। जबलपुर में लगातार हो रही चोरियों से शहर के बाशिंदे परेशान हैं।
पुलिस ने ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान छेड़ रखा है। हनुमानताल पुलिस ने ऐसे ही दो चोरों को पकड़ा है जो रात में सूने घर का ताला तोड़कर घर में रखी नकदी और कीमती सामान चुरा ले जाते थे। पकड़े गए आरोपी गुड्डू उर्फ भागवत चौधरी और राकेश वंशकार के पास से पुलिस ने नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं। ये दोनों चोरी, जिसमें विनोद भारती जी द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी सुदर्शन कॉलोनी की चोरी, और 5/12 को सती चौक में जो की गई चोरी है उसका खुलासा हुआ है। इसमें जो दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें गुड्डू उर्फ भागवत चौधरी और राकेश वंशकार, ये दोनों आदतन चोर हैं। गुड्डू उर्फ भागवत के खिलाफ 25 अपराध हैं विभिन्न थानों में, और राकेश वंशकार के खिलाफ 14 अपराध दर्ज हैं विभिन्न थानों में। गुड्डू उर्फ भागवत चौधरी थाना माड़ोताल का निगरानी बदमाश भी है, और कुछ साल पूर्व ये थाना कोतवाली में और लाडगंज में चोरियों में गिरफ्तार हुआ था। ये एक शातिर चोर है जो रात में लगभग 1 से 2 के बीच में ताला तोड़कर चोरियां करते हैं। इनके पास से जो मशरूका जब्त हुआ है उसमें 1,11,000 रुपये नकदी जब्त हुए हैं, 1 जोड़ी सोने की झुमकी, 2 जोड़ी चांदी की पायल बड़ी वाली, 1 चांदी की चूड़ी और 2 नग बच्चे की चांदी के चूड़े जब्त हुए हैं। बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित, ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। Our facilities, free Wi-Fi, AC, TV, parking, security, lift, full sanitized room, toiletry kit. Hotel Garishi, Hall No. 8, Chittor Complex, MP Nagar, Zone 1, Bhopal. Phone number 7898128620. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली सैकड़ों कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जबलपुर के सिविक सेंटर में धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सरकार से मांग है कि उनका बढ़ा हुआ मानदेय जो कि बंद कर दिया गया है उसे एरियर के साथ उपलब्ध कराया जाए। सरकार उसका एरियर सहित भुगतान करे, इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर होने पे जो 1,00,000 रुपए कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को 75,000 रुपए देने की जो सरकार ने घोषणा करी है वो तत्काल लागू करे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए और सहायिकाओं को 21,000 रुपए मिलना चाहिए। हम लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं और हम लोग इतना कम पैसों में काम करते हैं तो सरकार हमारी मांगों को ध्यान नहीं रख रही है, इसलिए हम सरकार का ध्यान इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आकर्षित कराना चाहते हैं। इंदौर शहर में 15 से 21 फरवरी को राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिता में जबलपुर राइफल एंड पिस्टल शूटिंग सोसाइटी की शूटर मनीषा जायसवाल ने एयर पिस्टल यूथ जूनियर और सीनियर महिला वर्ग में उच्चतम स्कोर प्राप्त कर 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। शूटर प्रमनूर मल्होत्रा ने चीफ साइट एयर राइफल यूथ और जूनियर पुरुष वर्ग में रजत पदक और शूटर वासु किरार ने एयर पिस्टल यूथ और जूनियर पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीतकर जबलपुर का गौरव बढ़ाया है। MP 23rd MP State में पार्ट लिया था। सीनियर जूनियर यूथ तीनों में मुझे गोल्ड मिला है और सर की मेहनत से हुआ है ये। जो हमारे 23rd MP State शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें जब GRPSS से 35 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि सारे ही हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं और हमें 7 3 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल भी प्राप्त हुए और सभी लोग बहुत खुश हैं और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी जो कि रिजल्ट हमें सभी को दिख रहा है। तो ये जबलपुर के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमें हमारे यहाँ बच्चे इतना नाम आगे कर रहे हैं जबलपुर का और आगे भी करते रहेंगे। नगर निगम गढ़ा जोन कार्यालय में ठेके पर टिप्पर वाहन चलाने वाले कर्मी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा था। वीडियो में उसने कार्यालय में पदस्थ CSI और सुपरवाइजर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित परिजन ने आज PM के बाद आगा चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया। वे दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। उनको जो जेल रहा तो किसी को पता नहीं चला। आज पूरा वो दोनों बच्चे बच्ची है तो सब तो छोड़ के बिल्कुल चले गए थे। उनको आसरा कौन है? आसरा देखा भाई, हाँ क्या मांग की अभी? तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना हम लोग को, सारा कुछ नहीं मिल रहा है।
चकाचाम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था भाई। आज आपके बच्चा, कल मेरा बच्चा हो सकता है, तो हम लोग आना है तो मिलना चाहिए ना। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में ठेकेदार और उपकरण सप्लायर के पंजीयन की अवधि पूरी होने के बावजूद उन्हें काम दिया जा रहा है। कंपनी क्षेत्र में करीब 949 पंजीकृत ठेकेदार और सप्लायर हैं, लेकिन इसमें 274 ठेकेदारों का पंजीयन अवैध हो चुका है। इन्होंने अभी तक नवीनीकरण भी नहीं कराया है। गौरतलब है कि बिना पंजीयन के मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी में कार्य नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद कई ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए पुराने पंजीयन पर ही काम अलॉट किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जैसे जैसे करीब आ रहा है, नगर निगम द्वारा स्वच्छता को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। गंदगी करने वालों के साथ मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह गंदगी करने वालों को किसी भी स्थिति में ना बख्शे और मौके पर ही उनका चालान काट जुर्माना वसूले। इस कड़ी में नगर निगम ने गंदगी फैलाने वाले तकरीबन 150 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और उनसे लगभग 20,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।